जो सरकार रोटी कपड़ा और मकान न दे सके, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्यों रो रहे हो आज सरकार? क्यों रो रहे हो? रो रहे हैं। चलो हम तो जैसे जैसे अपना गुजारा कर लेंगे। जो बहुत गरीब है, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? क्योंकि आगे सावन का महीना आ रहा है और जो लकड़ी है, लकड़े गिल्ली हो जाएगी। हम तो उनके बारे में सोचते हैं। इतना दुख भाजपा सरकार में किस तरीके से भाजपा पलट जाता है, जिसमें गांव सांबली के महिला मजदूर मनरेगा काम करने के लिए जा रहे थे। जैसे ही काछवा के पास पहुंचते हैं तो तेज गति के कारण चालक जो है बैलेंस खो बैठता है, जिस कारण से गाड़ी पलट जाती है। और इस पूरे हादसे में, जी हाँ, इस पूरे हादसे में 13 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें करनाल के ही नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। वहीं दूसरी ओर आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि जो फोर व्हीलर गाड़ी का जो ड्राइवर है, वो फिलहाल पुलिस कब्जे से फरार बताया जा रहा है। इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ ही साथ शेयर अवश्य करें। इसलिए रखा है जो गरीब लोग हैं उनके लिए रखा है। हम तो जैसे कैसे हम अपनी रोटी का गुजारा कर लेंगे, क्योंकि वो जो गरीब लोग हैं वो लकड़ियों से अपनी रोटियां बनाएंगे। अब सावन का महीना चलने वाला है, लकड़ियां गिल्ली होंगी, वो रोटी कैसे बनाएंगे? अगर सिलेंडर होता तो वो अपने घर में रोटी बना लेते और अपने बच्चों को खिला लेते। हम तो गुजारा कर लेते हैं जैसे कैसे, क्योंकि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो जैसे कैसे किसी के आगे भीख नहीं मांगते, वो अपना गुजारा जैसे कैसे कर लेते हैं। जो उनसे बिल्कुल गरीब है वो गुजारा कैसे करेंगे? जो सरकार रोटी कपड़ा और मकान न दे सके, ऐसी सरकार नहीं चाहिए।